आज मैथिली शरण जी की नगरी में चिरगांव में हम सभी युवाओं ने पहाड़ी चुंगी से होते हुए रामनगर चौराहे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे युवा बेरोजगार यात्रा निकाली। हम सभी युवाओं की ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी जिस वादे के साथ 2014 में अपनी सरकार लेकर के आए थे, हम सभी युवाओं के साथ छल करते हुए उन्होंने 6 से 7 सालों में 14 करोड़ से ज्यादा युवाओं को बेरोजगार किया है। आज हम उनका दिवस एक कला दिन के रूप में मना रहे हैं और पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द अटकी पड़ी हुई भर्तियों को पूर्ण करें और सभी युवाओं को रोजगार का मौका दें। यहाँ आस पास के गाँव में किसान अपने टूटते हुए छप्पर से और टपकते हुए पानी के सपने को छोड़ते हुए कर्ज लेकर अपने एक लड़के को किराए के मकान पे दूसरे शहर में भेजता है। वो इस सपने के साथ भेजता है कि मेरा लड़का जब अधिकारी बन के वापस आएगा तो इस टूटते हुए छप्पर को एक महल बनाएगा। और आज उन युवाओं के सपनों का छल हुआ है। और यही नहीं, इलाहाबाद में एक प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगा करके हत्या की और उसने कारण क्या लिखा, माफ करिए पिताजी, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है। आज हम युवा ये मांग करते हैं कि सरकार अगर आज भी संविदा पर आधारित है और यह कहती है कि 5 साल तक संविदा पे वो नौकरी देगी तो हम योगी सरकार को उठाकर फेंक देंगे। हमारी यही मांग है कि अगर युवा संविदा पर 5 साल रहेगा और 60% कामों का मूल्यांकन होगा तो सरकार के भी कामकाज का मूल्यांकन होना चाहिए और हर साल हर युवा को अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे तब इस सरकार को उठा कर फेंक दे। इसी आह्वान के साथ हम युवाओं ने आज विरोध मार्च निकाला और पूरे कस्बे में ये आंदोलन किया कि मोदी जी अब जाग जाइए, आपका जन्म दिवस आज हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम इस युवा बेरोजगार दिवस को यूं ही मनाते रहेंगे जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता।